हाय, आज के वीडियो में देखेंगे ग्राफ्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस और लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ग्राफ से सबसे पहले ग्राफ्स की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में थ्री टाइप्स के ग्राफ्स हैं। पहला बार ग्राफ है। बार ग्राफ क्या होता है देख लेते हैं। सिंपली सब लोग जानते होंगे, यहाँ फ्रिक्वेंसी रहेगी, यहाँ पर आपका डेटा दिया रहेगा और कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप के होंगे ये बार्स जिन्हें हम बोलते हैं, और इनके इन सभी बार्स के बीच में स्पेसिंग रहती है। नेक्स्ट हिस्टोग्राम क्या होता है। बार ग्राफ के बीच में जो हर बार के बीच में स्पेस होता है उसी स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए तो हमें मिलता है हिस्टोग्राम। अब इनके स्पेस को अगर ख़त्म किया जाएगा तो कुछ ऐसे ही मिलेंगे, मतलब बीच में जो लाइन होती है इनके बीच जो स्पेस होता है इसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसे लाइन ग्राफ भी हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने से जो मिलता है, जो लाइन जो ग्राफ में मिलता है उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं या लाइन ग्राफ कहते हैं। तो इसका शेप कुछ ऐसे ही रहता है, कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं कि ये है या स्ट्रेट। नेक्स्ट आते हैं अब स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पे। स्क्यूनेस और कर्टोसिस हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि यहाँ पर जो हमारा ये पूरा जो शेप है इसे बेल शेप कहते हैं, और हमारा जो मीन मीडियन और मोड होता है ये इस पर कॉन्साइड करता है, मीन्स मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। ये तभी होता है जब ये बेल शेप जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक होता है, मीन्स अगर यहाँ से हम इस दोनों इस पार्ट को कट कर दें तो ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा। अब स्क्यूनेस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो उसका मीन मीडियन और मोड कोइंसाइड नहीं करता है, मीन्स जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मोड वाला मोड यहाँ पर रहेगा, मीडियन यहाँ पर रहेगा और मीन यहाँ पर रहेगा। और अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर मीन मिलेगा, यहाँ पर मीडियन मिलेगा और यहाँ पर मोड मिलेगा। ऐसा क्यों होता है ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन स्क्यूनेस दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ, सेकंड नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ। पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ में क्या होता है कि जो हमारा टेल पॉइंट होता है, ये टेल पॉइंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होती है। टेल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होती है, इसे पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ कहते हैं। और नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ में क्या, ग्राफ में जो टेल होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होता है। अब ऐसा होता क्या है ये देख लेते हैं। तो सपोज कोई एग्जामिनेशन है, क्वेश्चंस काफ़ी टफ आए हैं उसमें, इसलिए जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आए हैं स्टूडेंट्स के, 50 या कह लेते हैं कि 30 के आसपास आए हैं, तो वहाँ पर ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि जो मेजर मार्क्स हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे। और अगर कोई एग्जाम बहुत ही इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और स्टूडेंट्स वहाँ 80-90 के एवरेज में ही स्कोर करते हैं, तो वहाँ पर ये स्कोर मिलेगा जो कि 80-90 के आसपास रहेगा। ये हो गया स्क्यूनेस। और फिर आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है, इट मेजर्स द वे वैल्यूज आर बंडल्ड अक्रॉस द सेंटर।
पहले ग्राफ समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहला होता है मेजोकार्टिक, मींस ना तो ये जो हमारा ग्राफ है ना तो ज़्यादा उठा हुआ होता है और ना ही ज़्यादा नीचे होता है, ना ज़्यादा फ्लैट होता है। नेक्स्ट होता है प्लैटिकार्टिक, जिसमें जो हमारा ये बेल शेप स्ट्रक्चर है ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है, और लेप्टोकार्टिक में जो बेल शेप स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि इट मेजर्स द वे वैल्यूज आर बंडल्ड अक्रॉस द सेंटर। जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं, जो हमारा एवरेज है वो कुछ इसी साइड पे पड़ेगा। तो वैल्यूज यहाँ पर, जो वैल्यूज हैं वो यहाँ इस एरिया में ज़्यादा पड़ रही हैं, यहाँ पर ये थोड़ा बढ़ जा रहा है और यहाँ पर ये पतला हो जा रहा है। वैल्यूज इस एरिया में ज़्यादा बंडल रहे हैं। तो बंडल का मतलब यही होता है कि कैसे समूह में डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रुप्स में। तो ये दिखाता है कि द वे वैल्यूज आर बंडल अक्रॉस द सेंटर, मीन्स सेंटर के आसपास किस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजाइव कहते हैं। इसमें दो मेथड्स होते हैं, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मार्क्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। अब इसको, इससे हमें कहा जा रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पहला लेस देन ओजाइव एंड दूसरा मोर देन ओजाइव। तो देखिए, लेस देन ओजाइव का मतलब होता है कि अगर हम ये कहें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर लेस देन 5, तो 4, सो लेस देन 5 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। लेस देन 10 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। फिर आएगा लेस देन 15, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 + 6 + 10 + 6 + 4 इज इक्वल टू 20। लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये पूरा 20 था तो ये मिल जाएगा 30 हो जाएगा। लेस देन 25 की फ्रीक्वेंसी 30 + 25 = 55 आएगा। लेस देन 30 55 + 22 ये 22 वो आएगा 77। ये हमारा लेस देन ओजाइव हो जाएगा। नेक्स्ट मोर देन ओजाइव के लिए क्या करेंगे, मोर देन 0 में कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं। मोर देन 0 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर मोर देन 0, तो हमें सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना होगा क्योंकि सबके सब मोर देन 0 ही हैं। तो टोटल जहाँ ये 77 आया था तो ये भी 77 ही आएगा क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम अप है। अब मोर देन 5, मोर देन 5 मीन्स ये 4 एक्सक्लूड हो गया, तो 77 - 4 = 73। मोर देन 10 तो मोर देन 10 के लिए 6 एक्सक्लूड हो जाएगा, 67 आ जाएगा। मोर देन 15 के लिए 10 एक्सक्लूड हो जाएगा, 57 आ जाएगा। मोर देन 20 के लिए फिर से 10 एक्सक्लूड हो जाएगा, 47 आ जाएगा। मोर देन 25 के लिए 25 एक्सक्लूड हो जाएगा और 22 आ जाएगा। मोर देन 30 के लिए 22 फिर से एक्सक्लूड हो जाएगा और फिर से 0 मिलेगा। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारा ग्राफ। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इंक्रीजिंग है, और ये है उनके द्वारा पाए गए, प्राप्त किए गए मार्क्स। सबसे पहले
लेस देन हो जाएगा, देखते हैं लेस देन 5 में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4, तो लेस देन 5 फ्रीक्वेंसी 4 कुछ यहां पर पड़ेगा। लेस देन 10 फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, लेस देन 10 पे फ्रीक्वेंसी 10, लेस देन 15 फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20, लेस देन 20 फ्रीक्वेंसी कितनी थी 30, लेस देन 25 फ्रीक्वेंसी कितनी थी 55, लेस देन 30 फ्रीक्वेंसी कितनी थी 77। नाउ मोर देन के लिए मोर देन 0, मोर देन 0 पे हमें फ्रीक्वेंसी मिली है 77 कुछ ऐसा यहाँ पे। मोर देन 10 पे, मोर देन 5 पे फ्रीक्वेंसी मिली है 73 कुछ यहाँ पे। मोर देन 10 पे फ्रीक्वेंसी 67 है तो कुछ यहाँ पे मिलनी चाहिए थी। मोर देन 15 पे फ्रीक्वेंसी 57 है तो ये कुछ यहाँ पर आएगी। मोर देन 20 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 47 है जो कि कुछ यहाँ पर आएगी। मोर देन 25 फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 जो कि यहाँ आएगी। मोर देन 30 फ्रीक्वेंसी कितनी है 0। तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा गलत हो गया था ग्राफ पहले से बनाया गया था जो कि, तो कुछ यहाँ पर पड़ेगा। ये वाली लाइन रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये दोनों मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मींस ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं मीडियन। मीडियन निकालने का इजी मेथड है ये ओजाइव मेथड। अगर मीडियन कैलकुलेट करेंगे हम तो इसका 22.9 आएगा, और अगर ग्राफ के थ्रू हम बनाएंगे तो इजीली हम ये शो कर सकते हैं कि इसका मीडियन 22.9 ही आएगा। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट्स इट।